अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन मोहतरम, आज मैं आपकी ख़िदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ और वो टॉपिक है दुआ के फ़ज़ाइल व बरकात। दुआ के वैसे तो बहुत से फ़ज़ाइल व बरकात हदीस मुक़द्दसा के अंदर, हदीस पाक के अंदर बयान किए गए हैं। चंद एक फ़ज़ाइल मैं आपकी ख़िदमत में रखना चाहूँगा। सबसे पहली फजीलत के दुआ मुसलमानों का हथियार, दीन का सुतून और आसमानों ज़मीन का नूर है। दुआ करने से गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। दुआ इबादत का मग़्ज़ है। अल्लाह तबारक व तआला दुआ करने वाले के साथ होता है। जो बला उतर चुकी और जो नहीं उतरी, दुआ इनसे नफ़ा देती है। दुआ क्या है? दुआ रहमत की चाबी है। दुआ कज़ा को टाल देती है, दुआ बला को टाल देती है। और जिसे दुआ करने की तौफीक दी गई, इसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुआ करने की तौफीक अता फरमाए और हमें मुआफ़ी मांगने की भी तौफीक अता फरमाए। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें, तौबा करें, ताकि हमारी दुनिया और आखरत संवर जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।